जैसे कि आप टाइटल में देखा, हम बात करेंगे नोट ट्री की, आसान भाषा में नोट टेम्पलेट। नोट टेम्पलेट यूज करने से आपकी कलर ग्रेडिंग फास्ट और बेटर हो जाएगी। फास्ट और बेटर कैसे होगी? जैसे कि हम शूट में मल्टीपल क्लिप शूट करते हैं तो हमें मल्टीपल नोट्स हर एक क्लिप के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन उससे अच्छा है हम एक टेम्पलेट बना लेंगे नोट ट्री की। तो उसका यूज करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्लिप है, इसकी हम कलर ग्रेडिंग करेंगे और उसके साथ साथ हम सिंपल बेसिक नोट ट्री बनाएंगे। ये बेसिक कलर करेक्शन के लिए हमारे पास नोड है, तो हम जाएंगे अपने व्हील्स पे और यहाँ मैं इसकी थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा दूंगा और फिर कर्व्स में इसकी हल्का सा कॉन्ट्रास्ट एंड हाईलाइट बढ़ा दूंगा। तो आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर। इसके बाद मैं ऑल्ट एस दबाऊंगा और एक और नया नोड जनरेट कर लूंगा। तो इसको मैं रीनेम दे लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं इसको रीनेम दे दूंगा लटका। तो आप यहां जाओगे और अगर आपको कोई लट अप्लाई करना है तो आप कोई सा भी लट अप्लाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड में हमने नोड में करेक्शन कर ली, दूसरे में हमने लट बना लिया। ऑल्ट एस दबाएंगे, एक और नोड लेंगे, ऑल्ट पी दबाएंगे, पैरेलल नोड में चेंज कर देंगे। यहां मैं जाऊंगा क्लीनअप नोड ग्राफ, पैरेलल नोड आ गया। अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी नोड टाइप्स की वीडियो देख सकते हो। इसमें मैं करूंगा स्काई को सिलेक्ट, सो इसको रीनेम दे दूंगा मैं और यहां पर अपने कीयर पे जाऊंगा सिलेक्शन टूल पे और अब मेरा स्काई सिलेक्ट हो चुका है। अब सिंपली मैं प्राइमरी में जाऊंगा और मैं हल्का सा इसको ब्लूइश टोन दे दूंगा बिफोर एंड आफ्टर। जैसे और कलर अगर हमारी क्लिप में हो, जैसे ब्लैक कलर, इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूं और इसमें मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लूंगा और अब आप देख सकते हो मैं हल्का सा इसके ब्लैकनेस ऐड कर दूंगा और अब आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर। इस नोड के बाद मैं फिर से ऑल्ट एस दबाऊंगा और इसमें मैं रीनेम दे दूंगा अपना स्किन। हम स्किन नोड को सबसे लास्ट में रखेंगे बिकॉज सबसे हमारा फोकस मेन तो स्किन पे होता है। अगर तो अब मैं सिलेक्ट करूंगा क्लिप, तो सिंपली यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, स्किन को रिफाइन करूँगा सिलेक्शन को। तो आप देख सकते हैं कि मेरी क्लिप सिलेक्ट हो चुकी है, स्किन ऑरेंज रेडिश सी टोन दे दूंगा और आप देखोगे तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो जैसे कि हमने एक सिंपल ग्रेड कर लिया है, अब मैं क्या करूँगा, इस नोड ट्री को सेव कर लूँगा। जो भी हमने करेक्शंस करी है मैं इसको इरेज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें जाऊँगा कलर टैब पे, फिर उसके बाद मैं रीसेट पे जाऊँगा और यहाँ करूँगा रीसेट ग्रेड्स बट कीप नोड्स। इससे क्या होगा, जो भी हमने ग्रेडिंग करी है वो सारी इरेज हो जाएगी। इसके बाद हम जाएंगे गैलरी के ऊपर और यहाँ पावर ग्रेड पे क्लिक कर लेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे ऑफ में, बी क्लिक करेंगे। तो अब हमारा देखोगे आप, अगर मैं दूसरी क्लिप में जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस क्लिप में जाऊँगा और फिर मैं इस क्लिप को यहाँ से इनेबल कर दूँ और डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लीन अप कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि वही सेम नोट्स हमारे एक क्लिक में टाइमलाइन पे आ गए। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें पता है इसमें हमने रीनेम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इस पे जाएंगे, वही सेम हर एक क्लिप के अकॉर्डिंग हम इस पे करेक्शन करेंगे। हमारा एक वर्क फ्लो बन गया, जैसे हमें करेक्शन लट, फिर हम जैसे स्काई पे काम करना है तो सिमिलर वे में हम स्काई सेलेक्ट करेंगे और फिर स्काई पे काम करेंगे। कितनी फास्ट तरीके से हमें ये कलर ग्रेड हो चुका है, आप देखोगे बिफोर एंड आफ्टर। हमें क्योंकि नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास नोट टेम्पलेट ऑलरेडी है। अब हम सिर्फ हमें चेंजेस अप्लाई करनी है, वो भी चेंजेस कौन सी, जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है कैसे कैसे करना है। ये है कुछ एग्जाम्पल्स, सेम तरीके से मैंने कलर ग्रेडिंग करी है उसी नोट टेम्पलेट को यूज़ कर। अगर आपको बेसिक नोट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए उसका ट्यूटोरियल भी बना हुआ है और अगर आपको नोट टाइप्स की डिटेल्स चाहिए उसका ट्यूटोरियल भी है।